नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्रिक ग्रू में। आज हम बात करेंगे जो मैच होने वाला मेलबोर्न रेगेंट्स और सिडनी थंडर्स के बीच में, उसके बारे में, ड्रीम इलेवन के बारे में चर्चा करेंगे, इंपोर्टेंट टीम न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में दोस्तों क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा देना जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो को अपडेट आप तक पहुंच रहा है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना है। चलिए बात कर लेते हैं यहां से ग्राउंड स्टेटस के बारे में। यदि ग्राउंड स्टेटस के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो सिमोंट्स स्टेडियम में मैच होने वाला है जो कि जीलोंग में है दोस्तों। एक अच्छा स्कोरिंग विकेट है, हालांकि यहाँ पर ज़्यादा मैच नहीं खेले गए, लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपके लिए बल्लेबाजी को सपोर्ट करने वाला है और थोड़ा सा पेस बॉलिंग को भी दोस्तों यहाँ से मदद मिलने वाली है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ग्राउंड नहीं है कि जहाँ पर आपके लिए स्पिनर्स को मदद मिले। चलिए बात करें फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर के बारे में, 173 रन रहा है, वहीं सेकेंड इनिंग्स 176 रन यहाँ पर रहा है। यदि बात की जाए दोस्तों यहाँ से हाईएस्ट टोटल 176 बना है और लोएस्ट टोटल 173 यहाँ पर बना है, क्योंकि दोस्तों एक मैच ही खेला गया है, उसमें पहले इनिंग्स में 173 बनाए थे जो कि सेकंड इनिंग्स में चेस कर लिए गए थे। हाईएस्ट चेस भी आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए बात करें दोस्तों यहाँ से आपके लिए संभावित 11 के बारे में। मेलबोर्न रेगेंट्स की आपके लिए 13 मैन की स्क्वाड उन्होंने अनाउंस कर दी, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या दोस्तों टेलीग्राम पर जाकर हमारे चैनल को सर्च करना है। जैसे ही दोस्तों आप सर्च बॉक्स में यहाँ से ड्रीम क्रिक ग्रू डालोगे दोस्तों हमारा चैनल आपके लिए खुल जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हो चैनल खुल जाएगा दोस्तों, तो आपके लिए चैनल से ज्वाइन हो जाना है। यह लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर आप चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ से सिडनी थंडर्स के बारे में। तो आप यहाँ सिडनी थंडर्स का देख सकते हो, इन्होंने दोस्तों अपनी स्क्वाड में सिर्फ एक चेंजेस यहाँ पर आपके लिए किया है। यहाँ से दोस्तों इनके जो विकेट कीपर बल्लेबाज थे जय लिटन उनको दोस्तों यहां से रिप्लेस किया है। आप देख सकते हो यहां से इनकी जगह जो लेग स्पिनर है तनवीर सांगा एक दोस्तों स्क्वाड में यहां से ऐड किए। अब इनको मौका देगी या नहीं देगी उसके बारे में न्यूज़ आपके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों यहां से लास्ट मैचों के बारे में। यदि लास्ट मैचों के बारे में बात की जाए दोस्तों तो टोटल 7 मैच खेल गए, इनमें दोनों के बीच में यहां से मेलबोर्न रेगेंट्स ने एक तरफा दोस्तों विनिंग की है। 7 मैच लगभग 6 मैच उन्होंने जीते हैं, एक मैच यहां से दोस्तों ये जीत पाए हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं यहां से संभावित 11 के बारे में। बात की जाए दोस्तों यहां से सिडनी थंडर्स के बारे में तो आप देख सकते हो एलेक्स हिल्स आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे उस्मान ख्वाजा के साथ। उस्मान ख्वाजा एक शानदार टच में दिख रहे थे, एलेक्स हिल्स आपके दोस्तों इतने अच्छे टच में नहीं देखे। उसके अलावा बात करें कॉलम फर्गूसन है दोस्तों, शानदार 73 रन की इनिंग्स इन्होंने खेल कर दी। ग्लाइक्स 4 रन बनाए दोस्तों, इन्होंने विकेट कीपर बल्लेबाज नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। एलेक्स रोल्स नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे दोस्तों, शानदार इन्होंने 30 रन की इनिंग्स खेलकर दी थी। डेनियल सेम्स हैं दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, गेंदबाजी अच्छी की थी जबकि बल्लेबाजी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। जबकि बात करें दोस्तों आपके लिए यहाँ से डेनियल सेम्स के बारे में भी, यहाँ से क्रिस ग्रीन के बारे में 25 रन और 2 विकेट चटकाए, जैसे दोस्तों मैंने इनके बारे में बताया कि दोस्तों गेंदबाजी भी शानदार करते हैं तो आप इन्हें टीम में ट्राई यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा बात करें दोस्तों यहाँ से अर्जुन नायर ने 2 विकेट चटकाया जो कि दोस्तों एक ऑफ ब्रेक है। मैकेंड्रू को कोई विकेट नहीं मिला दोस्तों। यहाँ से जोनाथन कुक ने भी यहाँ से 2 विकेट चटकाकर आपके लिए दिए। और बात करें क्रिस ट्रेमनिन को 1 विकेट मिला था जो कि एक बहुत शानदार गेंदबाज है क्रिस ट्रेमनिन, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ से दोस्तों मेलबोर्न रेगेंट्स के बारे में। यहाँ से सैम हार्पर आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएगा एरन फिंच के साथ या शॉन मार्श, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से शॉन मार्श फर्स्ट डाउन करेगा और सैम हार्पर आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएगा। उसके अलावा कूपर है दोस्तों आपके लिए शानदार और चॉइस हो जाती है। यहाँ से डेल क्रिश्चन भी दोस्तों बहुत शानदार बल्लेबाज है और गेंदबाजी भी अच्छी कर लेता है दोस्तों। यदि आपने अभी MSL देखा हो, फॉलो किया हो दोस्तों, काफ़ी शानदार इन्होंने ऑलराउंडर की भूमिका निभाई थी। मोहम्मद नबी के बारे में बात करें तो मोहम्मद नबी तो आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, इनकी जगह एलेक्स डोलन शायद यहाँ से खेलते हुए नजर आ जाएंगे। गलती टाइप हो गया है मोहम्मद नबी दोस्तों। यहाँ से बात करें आपके लिए बिल सदरलैंड आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे। केन रिचर्डसन, कैमरून बॉयज ने, हैरी गर्ने और जे मेनायन आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे। और नबी के बारे में कोई भी कन्फर्म न्यूज़ आएगी दोस्तों मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। हालांकि 13 मैन की जो स्क्वाड है उसमें इन्होंने नहीं दिया, लेकिन कहीं दोस्तों बता रहे थे कि मोहम्मद नबी पहुँच गए हैं, तो जो भी कन्फर्म न्यूज़ आएगी आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर अपडेट आपके लिए कर दूंगा। चलिए बात कर लेते इंपोर्टेंट पिक्स के बारे में। तो एरन फिंच आपके लिए हो जाते हैं, इन्होंने दोस्तों शानदार इनिंग्स खेलकर दिए अभी तक T20 में, आप देख सकते हो 38 के एवरेज से लगभग 45-59 रन बना चुके। टॉम कूपर आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, यहाँ से 404 रन बनाए थे लास्ट सीजन में लगभग इन्होंने 17 इनिंग्स में। केन रिचर्डसन 17 विकेट चटकाए थे दोस्तों 17 इनिंग्स में। यदि लास्ट की कुछ मैचों के बारे में बात की जाए, भाई सिडनी थंडर स्पोर्ट्स बात करें, उस्मान ख्वाजा, कॉलम फर्गूसन और क्रिस ग्रीन, कॉलम फर्गूसन काफ़ी शानदार फॉर्म में है दोस्तों, तो आप इन्हें टीम में ट्राई
कर सकते हो। कुल 108 इनिंग्स में इन्होंने 2509 रन यहाँ पर बना चुके हैं। बात करें उस्मान ख्वाजा 65 T20 इनिंग्स में 1906 रन ही बना चुके हैं। और क्रिस ग्रीन आप देख सकते हो यहाँ से दोस्तों 75 मैच में 62 विकेट निकाल चुके हैं। उसके अलावा गेंदबाजी भी करते हुए नजर आते हैं। तो इनको कोशिश करिएगा कि हमारी टीम में बिल्कुल स्मॉल लीग की पिक करना ही करना है। सबसे पहले बात कर लें दोस्तों जो लेटेस्ट फैंटेसी ऐप है माई फेव 11, इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर आपके लिए राज123 जी दोस्तों राज123 आपके लिए कोड डालना हाईली इंपोर्टेंट रहेगा, जिससे आपके लिए ₹50 कैश बोनस आ जाएगा। और आप हमारे ड्रीम क्रिक ग्रुप फैमिली के जी दोस्तों ड्रीम क्रिक ग्रुप फैमिली के सदस्य बन जाएंगे, तो आपके लिए दोस्तों यहां से कोड डालना हाईली इंपोर्टेंट रहेगा। कोड सिंपल है दोस्तों बिल्कुल राज123 जी दोस्तों राज123। चलिए बात करते हैं दोस्तों इस एप्लीकेशन के फीचर्स के बारे में। आप क्लासिक कॉन्टेस्ट खेल सकते हो, इसमें 11 प्लेयर खिला सकते हो, बैटिंग में आप 5 बल्लेबाज खिला सकते हो और बॉलिंग में आप 5 बॉलर यहाँ से खिला सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो जाती है दोस्तों। इसकी टीम का आपके लिए मैं डायरेक्ट यहाँ से फाइनल प्रीव्यू दिखा देता हूँ। सैम हार्पर को टीम में ट्राई किया जो कि ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। शॉन मार्श, एरोन फिंच टॉप 3 बल्लेबाज यहाँ से पिक किए हैं दोस्तों। कॉलम फर्गूसन है, उस्मान ख्वाजा है, उसके अलावा दोस्तों क्रिस ग्रीन और डेनियल सैम्समैन ऑलराउंडर सेक्शन में ट्राई किए हैं। बात करें बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों यहाँ से हैरी गर्ने हैं, केन रिचर्डसन है, यहाँ से क्रिस ग्रीन है दोस्तों, और उसके अलावा बात करें दोस्तों यहाँ से मैकेंड्री को मैंने बॉलिंग सेक्शन में टीम में ट्राई किया है। यदि मैं कोई भी चेंजेस करूँगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों आपके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके राज123 कोड जरूर आपके लिए डालना है। तो चलिए बात कर लेते दोस्तों यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में हम डिटेल से चर्चा हमारे ड्रीम इलेवन टीम तैयार करते समय कर लेंगे। चलिए अब ड्रीम इलेवन टीम तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन की। लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके एक लाइक काफी इंपोर्टेंट होता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। बात कर दोस्तों यहाँ से लिट्टन आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, ग्लाइक्स और सैम हार्पर आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे। दोनों ही शानदार ऑप्शन है, आप इन दोनों को टीम में ट्राई कर सकते हो या अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस कर सकते हो। फिलहाल की स्थिति में दोस्तों मैं सैम हार्पर के साथ जा रहा हूँ, आप चाहो तो ग्लाइक्स के साथ भी जा सकते हो। नंबर 4 पर ये बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे और एक शानदार बल्लेबाज हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ से बल्लेबाजी सेक्शन की। यदि बल्लेबाजी सेक्शन की बात की जाए टॉप 5 बल्लेबाज दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टॉप 5 बल्लेबाज यदि आप इन सबको एक साथ ट्राई करना चाहते हो तो आपके लिए एक यहाँ से बड़ा ऑलराउंडर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों आपके लिए कैडेट इशू आ जाएगी। यहाँ से एरोन फिंच, उस्मान ख्वाजा और कॉलम फर्गूसन टॉप 3, तो दोस्तों मैं यहाँ से डेफिनेटली ट्राई करने वाला हूँ। अब बात करें एलेक्स हिल्स। एलेक्स हिल्स ने अभी तक दोस्तों चाहे वो MSL रहा हो, यदि एक दो मैच निकाल दिया जाए दोस्तों तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने नहीं किया। शॉन मार्श आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बल्लेबाज हो जाते हैं, तो आप यहाँ से शॉन मार्श को टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ से टॉम कूपर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बल्लेबाज है, लगभग 5 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे और काफ़ी भरोसेमंद बल्लेबाज है, आप यहाँ से एनी टीम में ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ से ऑप्शंस के बारे में बात करें तो एलेक्स डोलन को यहाँ से मौका मिलने वाला है और कोई दोस्तों आपके लिए शायद यहाँ से खेलते हुए नजर ना आए। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन की। ऑलराउंडर सेक्शन की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ से आपके लिए क्रिश्चियन खेलते हुए नजर आ जाएगा, क्रिस मॉरिस आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएगा, डेनियल सैम्स आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएगा। तो इन दोनों को यहाँ से बिल्कुल डेफिनेटली ट्राई करना है। यहाँ से मोहम्मद नबी आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएगा दोस्तों, या और यहाँ से बिल सदरलैंड आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएगा। कुछ लास्ट सीजन में दोस्तों कुछ मैचों में इन्होंने इनिंग्स की ओपन की थी दोस्तों, उसके अलावा गेंदबाजी तो बहुत कम की थी, लेकिन इस मैच में शायद आपके लिए 1-2 ओवर गेंदबाजी भी करते हुए नजर आ जाए। चलिए बात कर लेते दोस्तों यहाँ से बॉलिंग सेक्शन की। बॉलिंग सेक्शन में केन रिचर्डसन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो जाता दोस्तों, आप यहाँ से एनी टीम में ट्राई कर सकते हो, तो मैं यहाँ से एनी टीम में ट्राई करने वाला हूँ। उसके अलावा क्रिस ट्रेमलिन, हालांकि लास्ट मैच में इन्हें दोस्तों एक विकेट ही निकाला था, लेकिन बहुत शानदार गेंदबाज हैं, आप यहाँ से एनी टीम में ट्राई कर सकते हो। यहाँ से क्रिस ट्रेमलिन और क्रिस ग्रीन को मैं यहाँ से ट्राई करने वाला हूँ। क्रिस ग्रीन को तो मैं डेफिनेटली ट्राई करने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों इनका आपके लिए मैं ऑप्शन दूंगा, यदि आप उस ऑप्शन के साथ जाना चाहते हो तो उस ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो। दोस्तों यहाँ से जोनाथन कुक ने लास्ट मैच में शानदार गेंदबाजी की थी और दोस्तों 2 विकेट यहाँ से निकाल कर दिए थे, तो आप यहाँ से एनी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा बात करें कैमरून बॉयज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाते हैं, लेग स्पिनर है दोस्तों, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट गेंदबाजी कर ये दे सकते हैं। हैरी गर्ने दोस्तों इनके पास काफ़ी मिश्रण है, तो आप क्रिस ट्रेमलिन की जगह हैरी गर्ने को भी टीम में ट्राई कर सकते हो, एक शानदार गेंदबाज हैं। उसके अलावा बात करें दोस्तों यहाँ से आपके लिए मिनायन अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं, आप मिनायन को भी टीम में ट्राई कर सकते हो। फिलहाल की स्थिति में दोस्तों मैं किसके साथ जा रहा हूँ, मैं यहाँ से हैरी गर्ने को टीम में ट्राई करूँगा और दोस्तों उसके अलावा मैं यहाँ से अर्जुन नायर को टीम में ट्राई करने वाला हूँ। अर्जुन नायर जो कि एक शानदार स्पिनर गेंदबाज हैं, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, या दोस्तों आप यहाँ से मिनायन को टीम में ट्राई कर सकते हो, यहाँ से हैरी गर्ने की जगह आप यहाँ से क्रिस ट्रेमलिन के साथ जा सकते हो, कुछ इस सिनेरियो के साथ जा सकते हो या दोस्तों उस सिनेरियो के साथ भी आप जा सकते हो। फाइनल चॉइस आपकी रहने वाली है दोस्तों, मेरी ओर से आपके लिए कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ से गाइड करता हूँ दोस्तों, ना कि कोई प्रेशर है आपके पास।
चलिए बात कर लेते हैं यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन की। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो एरन फिंच आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो जाते हैं, तो आप इन्हें एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आपके लिए यहाँ से कॉलम फर्गुसन लास्ट मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस करके दी, उसके अलावा लास्ट सीजन में भी इन्होंने दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली थी, तो दो ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो जाते हैं दोस्तों। यदि आप किसी और को टीम में ट्राई करना चाहते हो तो आप इन दोनों में से ट्राई कर सकते हो एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन, आप इन दोनों में से अपना एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर सकते हो दोस्तों। आपके लिए चार ऑप्शन बेस्ट हैं। मैं अपने टॉप थ्री ऑप्शंस की बारे में बात करूं तो यहां से कॉलम फर्गुसन, सॉन मार्स और दोस्तों यहां से एरन फिंच, ये टॉप थ्री में रखने वाला हूं। बाद बाकी दोस्तों सेकेंडरी ऑप्शन मेरे यहां से उस्मान ख्वाजा, डेनियल सेम्स और दोस्तों यहां से क्रिस, यहां से डेन क्रिश्चन रहने वाले हैं, ये सेकेंडरी ऑप्शन है दोस्तों। प्राइमरी ऑप्शन मेरे ये रहने वाले हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।